यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेम टर्म. ठीक है, हमारा चैप्टर यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप है. हमारा हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट बी इन द बोर्ड एग्जाम. वो आपका सिर्फ पीटी तक ही था. नहीं, हाँ जी, बोर्ड वाला. अगेन आई एम टेलिंग यू, दो स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन विल कम और नॉट. बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर अब आपका नहीं है, वो सिर्फ पीटी में ही था. अब आपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर है, दैट इज यूरोप. तो अब आप उस पर ज्यादा और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. और सिविक्स के आपके दो चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, दैट इज यूरोप. बट नाउ आवर मेन मोटिव इज टू कवर ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी टर्म, पैराग्राफ, ताकि फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक कोई भी क्वेश्चन आप फिलअप बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपने आप को रेडी रखो. मैच द कॉलम्स, ठीक है, या फिर आपकी सीक्वेंस. सीक्वेंस में तभी होगा जब आपको ईयर अच्छी तरह से लर्न होंगे. एंड सीरियल ऑर्डर में कैसे करते हैं, और कई बार आपको इवेंट्स के कंपैरिजन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, इवेंट के कंपैरिजन क्वेश्चंस, जैसे आपने पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा है, फेडरलिज्म में पढ़ा है, आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज जो है, सिर्फ एक नहीं है कि चार ऑप्शन हैं आपको, अब आपने देख लिए. एंड इवन आई हैव सेंड सैंपल पेपर एंड आंसर की इन योर ग्रुप्स. ठीक है, तो गो थ्रू द सैंपल पेपर इन डिटेल. आप उसमें देखो, पेज वाइज भी आपको उसमें मेंशन किया गया है कि किस पेज से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन चैप्टर. अर्लियर यू हैव प्रिपेयर टू चैप्टर्स, तो मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर नॉट एबल टू गेट गुड स्कोर्स. बट नाउ यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, तो आई थिंक आपका लास्ट जो हमारा वीक एक लेक्चर था, उसमें मैंने यूरोप चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई थी. ठीक है, उसमें हमने फ्रेडरिक सॉरियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे. तो अब आपने क्लास में पूरा अलर्ट रहना. आई विल आस्क यू क्वेश्चन साइड बाई साइड एंड कंटिन्यू. जो सैंपल पेपर्स है ना, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले एक बार पूरा चैप्टर की समरी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, एंड अब आपके पास हर चैप्टर की डेट वाइज इवेंट्स भी होनी चाहिए. आप उसको अच्छी तरह से ईयर, जितने भी ईयर है ना, उनको ऐसे लर्न कर लो ताकि जब भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इवेंट्स आए, इट विल बी ईजी फॉर यू. लाइक किंग ऑफ इटली, किंग ऑफ जर्मनी, देन एक्ट ऑफ यूनियन, ये तभी आपको पता लगेगा जब आपको उनके ईयर अच्छी तरह से याद होंगे और उन ईयर्स को आपने प्रॉपरली एक पेज पे लिखा होगा. आपको पता है एक तरफ ईयर है और एक तरफ उनकी इवेंट्स है. ये थोड़ी सी मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत, क्योंकि अब आपने चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. और बोर्ड एग्जाम का मतलब ही क्या होता है, एनी लाइन कैन कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नो डाउट सम स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल. ठीक है, तो वो तो इतना जो है वो कर सकते हैं कि हाँ जी, जितना हमने किया है उसको और ज्यादा रीडिंग करें ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो आपके टिप्स पे हों. लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड बिलो 25, 40 में से 25 है आपके दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का. तो इन बच्चों को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको स्कोर अपने 40, यानी कि आपको पता है कि आपका जो 25 से अब आपने ज्यादा लेना. ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने क्लासेस भी हम जो है वो लगाएंगे सैटरडे. आई विल टेक सैटरडे हिस्ट्री सिविक्स जो है वो ग्रुप सैटरडे होगा. ठीक है, तो उसमें हम और डिटेल से करेंगे ताकि जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम टॉपिक. ठीक है, अभी मैंने जितना आपको करवाया था, फर्स्ट आपका जो पेज है, ट्राई टू लर्न ऑल द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, पेज वाइज सीक्वेंस जो है. आपके पास हर पेज का जिस्ट होना चाहिए और आपके माइंड में जब तक नहीं ना होगा चैप्टर. सपोज आपको पता है फर्स्ट पेज में जैसे ओपन करता हूँ उसमें फोटो है, साइड पे दो टर्म्स है, एक है एब्सोल्यूट, एक है यूटोपियन. फिर हम टर्न करते हैं नेशन स्टेट, आंसर रहने. फिर हम टर्न करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. फिर हम टर्न करते हैं, तो आपको इस तरह से टिप्स पे होना चाहिए चैप्टर. वो तभी होगा जब आप बार बार उसकी रीडिंग करो. और एनसीईआरटी आपका बेस है, पहले अपना बेस स्ट्रांग करो, उसके बाद सैंपल पेपर के क्वेश्चन. जितने मर्जी सैंपल पेपर के क्वेश्चन आप कर लो, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी का बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, देन इट विल बी नो यूज. ठीक है, फर्स्ट आपका था सोर्स बेस, जो आपका पेज है इसमें आपको पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. लाइक आपको एक एग्जांपल मिल गया होगा जॉल वेरिन,
जिस बच्चे ने जॉलवेरिन का पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ा देन ही और शी विल बी एबल टू गेट गुड स्कोर आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस. 5-6 क्वेश्चंस दे कवर जॉलवेरिन, तो छोटा सा टॉपिक कई बार ऐसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है. एंड इट डजंट मीन कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में सारे आंसर सोर्स में होंगे. उसका मतलब जस्ट ये है कि आपको एक जस्ट आइडिया दिया है, उस आइडिया को क्लियर, उसकी क्लियर पिक्चर आपके पास होनी चाहिए. और ईयर ट्रिटी ऑफ वियना, सपोज ट्रिटी ऑफ वियना का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछा जाए इन विच ईयर दिस ट्रिटी वॉज हेल्ड, आपको यही नहीं पता क्योंकि आपने रीडिंग ही नहीं की. रीडिंग स्ट्रांग करो हर रोज, इतने लिसन हर रोज, जितना भी आपके पास टाइम मिलता है हर सब्जेक्ट को दो. हर सब्जेक्ट आपसे टाइम मांगता है, ये नहीं है कि हाँ जी आपने एक 1 वीक के बाद एक चैप्टर रीड कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. कुछ टर्म्स को, अच्छा कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम ईयर नहीं याद होते, तो ईयर याद करने के लिए टाइमलाइन, टाइमलाइन इज द बेस्ट एग्जांपल. टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे करो अपने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है. टाइम पीरियड देख लो कि 1804 से लेकर 1861 तक कौन कौन सी इवेंट्स हुई, 1861 ऑनवर्ड चैप्टर में क्या क्या दिया गया. अपने अकॉर्डिंग उसको, अकॉर्डिंग टू ईयर जो है, सबसे पहले सोचो कि इसमें कौन सा ईयर सबसे पहले आता है. टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाओ, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाओगे सबसे पहले है ये 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो 1789 में क्या हुआ, फिर 1789 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का ईयर आता है, फिर उसके बाद ट्रिटी ऑफ वियना आती है, ट्रिटी ऑफ वियना के बाद फिर रिवोल्ट्स आते हैं. रिवोल्ट्स कौन कौन से रिवोल्ट्स आपने पढ़े, 1830 का रिवोल्ट पढ़ा, 45 का पढ़ा, सिलेशिया पढ़ा, जुलाई रिवोल्ट पढ़ा, पेरिस, ये सारे रिवोल्ट्स आपने पढ़े, इनको एक पार्ट में डिवाइड करो. उसके बाद नेक्स्ट फिर आप यूनिफिकेशन के ईयर अलग से याद करो. यूनिफिकेशन कौन कौन सी यूनिफिकेशन आपने पढ़ी, उन यूनिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर है, और उन ईयर के आगे क्या क्या मेन उन ईयर में हुआ था वो मेन याद. अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो जर्मनी और इटली के बीच में से कि कौन सी जो है वो यूनिफिकेशन पहले हुई है, तो सबसे पहले नंबर 1861 लिखो, फिर 18 जो है नेक्स्ट ईयर लिखो, और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू ईयर्स लिखो, ताकि आपके पास क्लियर कट एक आपकी अपनी टाइमलाइन हो जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन हो ना वो मिस ना हो. क्योंकि मोस्टली बच्चों के मार्क्स जो है वो ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कटते हैं. नो डाउट इट इज नॉट ईजी फॉर यू टू लर्न, लेकिन अगर आज से ही प्रैक्टिस करोगे ना, अब एक चैप्टर है उसके सारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ईयर्स आप बनाकर जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे पेस्ट कर लो. जस्ट वहाँ पे एक छोटा सा ना अपना एक कॉर्नर जस्ट काइंड ऑफ जैसे डिस्प्ले बोर्ड होता है जैसे ये लगाया हुआ है ना, इस तरह से आपको पता है जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होता है. कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको हर रोज पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो एक बार ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है जस्ट नजर मार लो, तो इट इज श्योर कि एग्जाम्स तक आपको ईयर याद हो जाए, ठीक है. तो कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनको हर रोज देखना पड़ता है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आप ना भी देखो ना 1 वीक के बाद आपको पता है कि मुझे पता है कि फ्रेडरिक सारियो के बारे में क्या क्या इमेजेस है, लेकिन मुझे ईयर याद होना चाहिए 1848, वो तभी याद होगा जब मैंने उसको बार बार पढ़ा है और मैंने मेरे सामने वो बार बार पेज. जब भी पढ़ने बैठते हो कुछ पेजेस आपके सामने होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, कि ये सब्जेक्ट में ये मेन है, इस सब्जेक्ट में ये मेन है. क्लियर है बच्चे? तो ये स्ट्रैटेजी जो है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अभी करो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम में सारा लर्न करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज. अब आपका अभी एमसीक्यू पार्ट है, एंड एमसीक्यू पार्ट के लिए आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो फ्रेडरिक सॉरियो से रिलेटेड ईयर कौन सा, 1848, ये मैंने सारा डिस्कस किया था. और शुड आई रिवाइज अगेन और कंटिन्यू करूं नेक्स्ट? Raise your hand. How many students want to continue same this source base? If this is clear to you, raise your hand. If you want to continue with this source base, Frederick Soria का source base, should I continue? Raise your hand. जो चाहते हैं कि मैम ये वाला फिर से करवा दो. Frederick Soria. Any other? Okay. ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? Starting से हम करते हैं. जितना हो सके years जो हैं events अपनी side by side note करो. And listen. Those who are already prepared, आपको पता है कि हाँ जी मैम ये हमें अच्छी तरह से आता है, ठीक है. जितना सुनोगे आपके टिप्स पे और ज्यादा अच्छी तरह से. फ्रेडरिक सॉरियो कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट. पहले तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, एंड आर्टिस्ट थे तो ऑटोमेटिकली उन्होंने एक प्रिंट पेंटिंग बनाई, और इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है. पेंटिंग का नेम याद रखो. फ्रेंच आर्टिस्ट थे. कौन से ईयर में उन्होंने ये प्रिंट जो है वो रेडी किया? 1848. सिर्फ एक ही प्रिंट नहीं था, उनके 4 प्रिंट्स थे. 4 प्रिंट्स का मतलब होता है, मे भी सोचो कि 4 पेंटिंग्स,
और उन फोर पेंटिंग में से जो आपकी बुक में है वो उनका फर्स्ट प्रिंट है। अब आपका मेन सोर्स क्या है कि आपने इस पेंटिंग से रिलेटेड आपने पूरा जो है वो आंसर रेडी करना है, ताकि वो किसी भी तरह से आंसर आए यू विल बी रेडी टू डू। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पेज को ओपन करते हो, इसका हेडिंग आपको याद होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सपोज करो एमसीक्यूज में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के जरा कुछ और वर्ड भी हो सकता है, वर्ड्स भी चेंज हो सकते हैं, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया। प्रशिया में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने पर्शिया को कर दिया, तो स्पेलिंग भी मैटर करते हैं, कई बार स्पेलिंग मैटर करते हैं, तो इस तरह से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपने आपको ये आइडिया होना चाहिए दैट दिस इज अ यूटोपियन विजन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, कभी ऐसा रियल में नहीं हुआ कि सारी कंट्रीज आपस में मिलकर एक लॉन्ग मार्च पास निकाल रही थी, दैट इज द इमेजिनेशन ऑफ अ आर्टिस्ट। उसने क्या किया, यूरोप के सारी कंट्रीज को एक मार्च पास्ट में उसने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। अब जैसे ही आप इस पिक्चर को देखते हो बच्चे, यहाँ पे एक स्टैचू है, दैट स्टैचू इज नेम्ड एज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। आप इसको देखने से आपको ये पता लगता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में सभी लोगों ने अपने अपने नेशनल फ्लैग्स को होल्ड किया गया। सम आर नियर द स्टैचू, सम आर क्रॉसिंग, कुछ ने क्रॉस कर लिया है और कुछ अभी पीछे है। इसका भी एक मतलब है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है दे आर इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट। जो पीछे हैं, इट मींस वो अभी नेशन नहीं बने हैं, उनकी कंट्रीज में अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्रॉस कर चुके हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, नेशन बन चुके हैं, उनकी कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं। अभी एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है, मोनार्की आपको पता होता है कि रूल ऑफ किंग। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कैसी गवर्नमेंट जिसमें आप किंग को चैलेंज नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे लुई सिक्सटीन ने जो कह दिया, ही वॉज एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि उसकी पावर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी पावर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इसीलिए तो मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल में उसने अपनी पावर्स को डिवाइड करने से मना कर दिया, एंड दैट्स द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे केम आउट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। ठीक है, फिर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आइडिया होना चाहिए कि इनके इन्होंने कुछ आइकन्स को होल्ड किया हुआ। एक हाथ में है इनकी टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, चार्टर ऑफ राइट्स। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, लाइट, लाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नॉलेज, एजुकेशन। ठीक है, चार्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट्स, यानी कि जो कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके जा रही है उन कंट्रीज में लोग एजुकेटेड हैं, फिलोसफर्स बन चुके हैं, और उन कंट्रीज ने अपने अपने मैन, नॉट टू वेमेन, यानी कि मैन को क्या दिया है, राइट टू वोट, क्योंकि उसके हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो चार्टर ऑफ क्या है, चार्टर ऑफ मैन, राइट्स ऑफ, राइट्स फॉर मैन। फिर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है, तो आपको याद होगा कि 1848 में फ्रांस में रिवोल्ट हुआ था, जब फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक, जब लुइस फिलिप कंट्री छोड़कर चले गए थे, तो उस टाइम पीरियड में फ्रांस क्या बना, रिपब्लिक। तो इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बिल्कुल फ्रांस है, फ्रांस बिल्कुल साथ में है, क्योंकि वो न्यूली उस टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और बहुत सी कंट्रीज पीछे हैं, तो फ्रांस के पीछे क्या है, फ्रांस के पीछे क्या है, जर्मनी। तो जर्मनी आपको पता है कि जर्मनी तो बहुत बाद में यूनिफाइड हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में जर्मनी एक नेशन नहीं था, इसीलिए ये उस रो में बहुत पीछे। फिर इस पेंटिंग में, इस पिक्चर में आगे कुछ स्केलेटन्स हैं, ये स्केलेटन्स क्या शो करते हैं, स्केलेटन्स ऑफ मोनार्की सिस्टम। ये बताता है कि जैसे जैसे कंट्रीज मार्च पास कर रही हैं, वो अपने पैरों के नीचे मोनार्की को दबाकर आगे जा रही है, यानी कि मोनार्की को खत्म करके आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है, स्केलेटन्स ऑफ मोनार्की का मतलब होता है कि इन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। तो ये इस पेंटिंग का पूरा जिस्ट है, और इसमें लीडिंग कंट्रीज याद रखोगे आप, सबसे नंबर वन कौन सी कंट्री है, यूएसए, यूएसए के पीछे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के पीछे फ्रांस, फ्रांस के पीछे जर्मनी, जर्मनी के आपने थ्री कलर्स आपने याद रखने हैं, कि जर्मन के थ्री कलर्स, यानी कि जर्मनी अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग रेवोल्यूशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, दे वर होल्डिंग अ फ्लैग इन देयर हैंड, एंड इसके कलर्स आपको याद रखने हैं, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। और आपको क्या याद रखना है, कि हु इज गिविंग ब्लेसिंग्स, जीसस क्राइस्ट। ये शो करता है कि इन कंट्रीज में कौन सा रिलीजन है,
क्रिश्चियन. हाँ जी दिल प्लीज स्टैंड अप. स्टैंड अप. टेल मी एनी टू कॉन्टिनेंट्स दैट हैव बीन कवर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरी इन दिस पेंटिंग. नेम ऑफ कॉन्टिनेंट. कौन सी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज जो है वो इसमें मेन बताई गई. ओनली यूरोप. वन इज यूरोप एंड सेकेंड इज हाँ अमेरिका. सेकेंड इज अमेरिका से ना. हाँ जी आप ऐसे हाथ करो. आपने तो आंसर दिया ही नहीं. पहले आपने क्या बोला उसके बाद जब बच्चे बोल रहे तब दिया ना बात. ठीक है दो कॉन्टिनेंट्स मतलब कौन कौन से. एक है यूरोप दूसरा है अमेरिका. ठीक है अमेरिका तो अपने आप में नंबर वन यूएसए. यूएसए कॉन्टिनेंट. ठीक है अभी एट प्रेजेंट जो है वो अमेरिका. तो उस टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रिंट में किसी और कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं सिर्फ यूएसए एंड सेकेंड कॉन्टिनेंट यूरोप की सारी कंट्रीज के बारे में मेंशन किया गया. ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट दिस फ्रेडरिक सॉरियो. इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड विद द नेशन स्टेट्स. बेटा नेशन स्टेट की डेफिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है. दो तरह की डेफिनेशन बताई गई है इसमें. एक बताया गया है नेशन स्टेट क्या होता है जिसमें लोगों का कल्चर कॉमन होता है आइडेंटिटी कॉमन होती है. ठीक है ये तो कॉमन लैंग्वेज है. किसी कंट्री को नेशन बनने के लिए क्या चाहिए होता है कॉमन कल्चर कॉमन आइडेंटिटी. लेकिन अर्नेस्ट रेने ने क्या कहा है कॉमन कल्चर एंड आइडेंटिटी के अलावा किसी भी कंट्री को क्या चाहिए प्लेबिसाइट. ये टर्म आपको याद रखनी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है जब किसी कंट्री में लोगों से क्या पूछा जाए यस और नो फॉर गवर्नमेंट कंसेंट. जैसे आपसे कंसेंट फॉर्म लिया ना यस और नो. ऐसे ही गवर्नमेंट से पूछा जाए यस और नो का मतलब क्या होता है कि शुड दे वांट टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट और नॉट. नेशन एक कंट्री नेशन तभी बनती है जब लोगों को क्या दिया जाए वोटिंग राइट्स. प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है दैट डायरेक्ट वोट इन विच पीपल दे आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल. यहाँ पे स्पेशली मैन के लिए. यहाँ पे अभी स्पेशली मैन के लिए था क्योंकि जिस टाइम पर मैं अर्नेस्ट रेनर ने कहा था एट दैट टाइम लोग ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि वुमेन को कभी वोटिंग राइट मिलेगा. ठीक है तो जनरली ये प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है डायरेक्ट वोट इन विच पीपल दे आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल. जैसे सपोज आज की कंट्री में हम कहें कि हमारी कंट्री इंडिया नेशन है. गवर्नमेंट कोई भी नया रूल पास करती है अगर हमें वो नया रूल पसंद नहीं आता ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं नो कर सकते हैं. फार्मर्स आजकल क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट. दैट इज देयर नो टू दैट पर्टिकुलर लॉ. तो ऐसी कंट्री जहां पे लोगों के पास राइट है राइट टू प्रोटेस्ट राइट टू अपोजिशन दैट कंट्री इज कॉल्ड नेशन इन रियल सेंस. जिस कंट्री में रूलर्स अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं लोगों के पास राइट नहीं होता चेंज करने का ऐसी कंट्री को ट्रू सेंस में नेशन नहीं कहा जा सकता. सेकंड उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है सॉलिडैरिटी. सॉलिडैरिटी का मतलब होता है यूनिटी. यूनिटी यानी कि नेशन तभी यूनाइटेड होगा जब लोग इकट्ठे होंगे. और ऐसी कंट्री जहां पे लोगों के को वोटिंग राइट दिए जाते हैं सबको इक्वल माना जाता है उस कंट्री में सॉलिडैरिटी होगी. जिस कंट्री में लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी नहीं होगी वहां पर सॉलिडैरिटी भी नहीं होगी. तो अर्नेस्ट रेने के अकॉर्डिंग प्लेबिसाइट एंड सॉलिडैरिटी नेशन इज अ लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइट. ये लाइन याद रखो. तो आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेने नेशन इज अ लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज इट्स डेली प्लेबिसाइट. डेली प्लेबिसाइट का मतलब क्या है जहां पे लोगों के पास राइट होता है जिसमें लोग येस और नो किसी भी रूल के लिए वो अपोज कर सकते हैं. तो अर्नेस्ट रेने के अकॉर्डिंग नेशन स्टेट की डेफिनेशन थोड़ी सी वास्ट है. तो सेकेंड पेज जो आपका कवर करता है डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट. एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. यूनिटी भावना भूमिका हरजोत जयदित्य कनिष्का काव्यांश माधव तृप्ति एंड कविश. एनी डाउट. ओके नेक्स्ट बच्चे थर्ड पेज दैट इज रिलेटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये तो आपने बार बार किया हुआ है बहुत टाइम किया हुआ है. फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर याद रखो. फर्स्ट आपने कौन सा ईयर याद रखना है कौन सा ईयर 1848.
सेकेंड कौन सा ईयर याद रखना है? 1789. अरे मैंने कहा टर्म के अकॉर्डिंग, पहले नहीं, मैंने आपको बोला है टर्म के अकॉर्डिंग. एक ये याद रखो 1848 फ्रेडरिक सोरियो, फिर हमने नेक्स्ट याद रखना है 1789. दैट वो आपके ऊपर है, आपने उसको कैसे टाइमलाइन में बनाना. अब ये भी थोड़ी मैंने बना के देना आपको, है ना. 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस पेज इज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने चेंजेस याद रखने हैं कि जो चेंजेस 1789 से पहले नहीं थे बाद में हुए, क्योंकि 1789 के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से लोगों को राइट्स दिए. और चेंजेस कौन कौन से हैं वो हमने इसमें बताना है. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कैसे आइडेंटिटी उन्होंने जो है वो बनाई, कैसे लोगों को कॉमन राइट्स दिए. यहाँ पे भी बात हो रही है सिर्फ मेल की, नॉट टू फीमेल, ठीक है. तो नंबर वन लॉ पैट्री. लॉ पैट्री आप कई बच्चों ने एमसीक्यू ये गलत किया था. लॉ पैट्री का मतलब क्या होता है? फादर लैंड. इसका मतलब क्या होता है? लैंड इज इक्वल टू ऑल. फादर लैंड का मतलब क्या है कि 1789 से पहले किंगशिप थी जिसमें लुई 16 जो था मोनार्क था और अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनते थे. लेकिन 1789 के बाद लोगों को कुछ राइट्स दिए गए एंड लॉ पैट्री कंसेप्ट जो है ये बहुत फेमस हुआ, जिसका मतलब क्या है? लैंड इज इक्वली कनेक्टेड टू ऑल. लेकिन पहले लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को जो है वो लैंड नहीं मिलती थी, बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन दे वर होल्डिंग द लैंड एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको एग्जम्पशन मिली हुई थी. तो उस टाइम पीरियड में सोसाइटी जो थी भी अनइक्वल थी. नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज सिटोयन. आज के टाइम पीरियड में 18 ईयर से ज्यादा जो लोग हैं वो सिटीजन कहलाते हैं. तो ये नया कंसेप्ट किन्होंने दिया? फ्रांस में. सिटीजन जो टर्म है सिटोयन, ये टर्म फ्रांस में सबसे पहले पॉपुलर हुई थी कि 18 ईयर, जैसे जो राइट टू वोट, जिन लोगों को राइट टू वोट मिलता है उनको सिटीजन कहा जाता है. वो अलग बात है कि उन्होंने राइट टू वोट किनको दिया उस टाइम पीरियड में? एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, लोगों को सिटीजन बनाया सबसे पहले 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, सिटोयन कंसेप्ट. थर्ड, कौन सी लैंग्वेज कॉमन की उन्होंने? फ्रेंच. फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन किया और जितनी भी रीजनल डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स का मतलब होता है जो कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग एरियाज की, उनको डिस्करेज किया ताकि कंट्री को यूनाइट किया जाए. मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो 1789 के टाइम पीरियड में दे लॉस्ट देयर लाइफ, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स, उनकी फैमिलीज में उन लोगों को अवार्ड दिए गए, उनको सोसाइटी में अच्छा माना गया, बेस्ट माना गया, कमेमोरेट किया उनको, क्योंकि उस टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत से लोगों को अपनी लाइफ या फैमिलीज को अपना जो है वो मेंबर्स जो है उन्होंने सेक्रीफाइस दी. देन वेटिंग सिस्टम, काफी हद तक चीजों को वेट करने का सिस्टम जो है वो चेंज हुआ, ठीक है. सम ड्यूटीज वर अबॉलिश. आपको पता ही है कि स्टेट सिस्टम खत्म हो गया था, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सिस्टम खत्म हुआ एंड ऑल द पीपल नाउ बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन्स, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स. तो ये है आपके सारे चेंजेस. इसमें अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बेटा यहाँ पे पिक्चर दी गई है. ये जो पिक्चर है इसमें कौन से स्टाइल को, सॉरी कौन से पैलेस को स्टॉर्म किया गया है? वेस्टाइल. तो दैट वॉज द मेन रेवोल्यूशन. वेस्टाइल को डिमोलिश करना ही क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन. कौन सी डेट में हुआ था? डेट 14 जुलाई, ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हमने सारा 9th में पढ़ा था, लेकिन आपके इस चैप्टर में इसके बाद बताया गया है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, कि नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में 1789 के बाद फिर जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब के बाद डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल के बाद किसका रूल आया? नेपोलियन बोनापार्ट. अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट जो थे 1804, अब नेक्स्ट ईयर कौन सा याद रखना है आपने? 1804. तो इसको कितनी तरह से हम पूछ सकते हैं? व्हेन, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम मिलिट्री डिक्टेटर? 1804, ठीक है. और डिक्टेटर बनते ही उन्होंने कंट्री के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अडॉप्ट किए. That is regarded as Napoleon Civil Code.
नेपोलियन सिविल कोड 1804। अब इस नेपोलियन सिविल कोड में कौन कौन से चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो आपने याद रखने, साथ ही आपने ये भी याद रखना है कि नेपोलियन सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि नेबरिंग कंट्रीज उनको भी एक्वायर करना चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन जो थे उनकी नेचर क्या थी, इंपीरियलिस्टिक। एक ऐसा पर्सन जिसकी नेचर इंपीरियलिस्टिक होती है वो सिर्फ अपनी कंट्री से सेटिस्फाई नहीं होता, कीप ऑन अटैकिंग ऑन अदर कंट्रीज। और अगर वो क्योंकि उसकी मिलिट्री बैकग्राउंड थी तो उसने फ्रांस में नहीं बल्कि फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज को अटैक करने में अपना सारा टाइम स्पेंड कर दिया। एंड इन द एंड बैटल ऑफ वाटरलू, कौन सा ईयर याद रखोगे आप, 1850। क्या हुआ था इस ईयर में, बैटल ऑफ वाटरलू। प्लेस का नाम था वाटरलू, इसीलिए बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। एक तरफ थे नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ चार कंट्रीज का ग्रुप था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, यहाँ पे वर्ड जो है दैट इज प्रशिया, जिसका मॉडर्न नेम क्या है, जर्मनी, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था 1815 बैटल ऑफ वॉटरलू। और आपको पता है बाद में नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ कौन से ईयर में हुई, 1815 से लेकर 1821 तक वो कहाँ रहे, लोनली आइलैंड। उनको 1815 के बाद जब उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको एक आइलैंड में रखा गया ताकि वो किसी के साथ भी किसी भी तरह से जो है वो कम्युनिकेशन ना कर सके। एंड इन 1821 सेंट हेलीना आइलैंड है ये, देन ही डाइड देयर। सो दिस वाज द एंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों डिस्कस कर रहे हो आपस में, व्हाई यू आर टॉकिंग, ठीक है। अब हमने और क्या याद रखना है कि क्या नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अलावा और भी कंट्रीज में आर्मीज गई थी, यस, फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मी। क्योंकि अब हम कहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो आर्मी थी वो फ्रांस के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज में उन्होंने अटैक के लिए या कौन कौन सी कंट्रीज को कैप्चर किया, ठीक है। अब आपको कंट्रीज के नेम याद रखने हैं, हॉलैंड, हॉलैंड, फ्रेंच आर्मीज अटैक्ड ऑन हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, ये कुछ कंट्रीज आपने बतानी है वेयर फ्रेंच आर्मीज मूव। और आपको पता है इन कंट्रीज में भी काफी हद तक नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया था। अब सिविल कोड था क्या, कौन कौन से चेंजेस, ये आपको एमसीक्यू बेस आ सकता है, कोई भी थ्री चेंजेस आ सकते हैं, एक चेंज नहीं भी हो सकता, आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसके लिए आपको पूरे चेंजेस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस हुए। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड और नॉट, ऐसे याद रखो। वेटिंग सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। डेसिमल सिस्टम इन काउंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस और नॉट, यस। Private right to private property was given, yes. Two dues were abolished, serfdom and manorial. अब ये क्या है, कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा कि ये dues कौन से थे, serfdom and manorial. Napoleon Bonaparte से पहले जो landless, जिनके पास land नहीं होती थी ना, उनको serfs कहते थे, क्या कहते थे, serfs. इनको कुछ ड्यूज देने पड़ते थे, जो भी ये कमाते थे उसको बोलते थे सर्फडम। इसके अलावा मैनर, मैनोर, रिच लैंडलॉर्ड्स, इनको भी कुछ ड्यूज देने पड़ते थे, उनको बोला जाता था मैनोरियल। नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको क्या कर दिया, अबॉलिश। सो दीज पीपल दे वर वेरी हैप्पी नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि उसने सर्वडम और मेनोरियल को क्या कर दिया, खत्म। नेक्स्ट आई